जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 2 लेगा अपनी पहली उड़ान अगले साल दिसंबर में। भारत और अमेरिका विकसित करेंगे M777 का एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट। घुसपैठ के प्रयासों में शामिल होने के चलते 2 BSF पर्सनल और 21 सिविलियंस को पकड़ा गया। भारत में मिलिट्री ड्रोन्स में चाइनीज कॉम्पोनेंट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, और जानिए क्या है फिलीपींस और चीन के बीच का नया विवाद। आप में से जितनों ने भी हमारे डिफेंस एक्सपी नेटवर्क को ज्वाइन करने में रुचि दिखाई है तो उन्हें सबसे पहले हम धन्यवाद कहते हैं। और अब इससे संबंधित आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। तो पहली सूचना यह है कि हमारे नेटवर्क में जिन जिन पोजीशंस के लिए वैकेंसीज थी तो उसमें से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाली पोजीशन है वो फिल हो चुकी है, लेकिन जो बाकी की पोजीशन है उसके लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमने स्केच आर्टिस्ट की जो पोजीशन मेंशन करी है तो उस स्केच आर्टिस्ट में खास तौर पर हमें डिजिटल स्केच आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप में से किसी को इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप अपने सैंपल वर्क हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी defensexpnetwork@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। और आप में से जितनों ने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल किया है तो कृपया करके आप अपने वर्क से रिलेटेड सबसे बेस्ट सैंपल हमारे ईमेल आईडी पर शेयर जरूर करें। तो आज का सबसे पहला अपडेट है तेजस मार्क 2 को लेकर, और यकीन मानिए ये वाला जो अपडेट है ये बिल्कुल भी निराश करने वाला नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको टाइम्स नाउ की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में बताया था कि भारत और अमेरिका द्वारा जेट इंजन्स वाले डील के अनाउंसमेंट होने के बाद से केंद्र सरकार ने तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप को विकसित करने पर जो एक कंडीशनल क्लॉज लगा रखा था तो उसे हटा दिया है, और अब तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप पर कार्य शुरू होगा। और तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप को बनने में 5 से 6 वर्षों का समय लगेगा। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 की डिलीवरी को कंप्लीट करने में 15 वर्ष या उससे भी अधिक का समय लग सकता है। लेकिन अब तेजस मार्क 2 पर एक लेटेस्ट अपडेट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से देखने को मिला है, और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ खास इंटरव्यू में HAL चीफ की तरफ से यह बताया गया कि जो पहला तेजस मार्क 2 है वो जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन के साथ अगले साल दिसंबर में अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करेगा। और इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक बहुत ही इंटेंस वर्क जारी है। और HAL चेयरमैन का यह भी कहना है कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो 2027-28 से स्टार्ट होना है, और तब तक हम तेजस मार्क 2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन्स हैं उन्हें भारत में भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी जो टाइमलाइन है इसे हम और भी छोटा करने में सक्षम हो सकते हैं। और इस इंटरव्यू में उनका यह भी कहना था कि अमेरिका के साथ जो फाइटर जेट इंजन वाले टेक्नोलॉजी की डील हुई है तो वो एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, जो कि आने वाले दशकों में भारत को काफ़ी आगे ले जाएगी, और ये डील हमारे आगे के स्वदेशी इंजन्स के लिए एक आधार भी बनेगी जो कि हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये भी बताया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो ये डील है इसमें 80% तक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहने वाला है, जिसमें इंजन के हॉट एंड की कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड्स और लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी तो इसका ट्रांसफर भी शामिल है। और उनके तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस तरह के प्रोग्राम्स में वे आगे भी प्राइवेट सेक्टर को और भी बड़े तरीके से शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ खुद से ही करते हैं तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, और वहीं अगर हम इसमें प्राइवेट इकोसिस्टम को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें बहुत तेजी से पूरी कर सकते हैं। और HAL चीफ की तरफ से इस बात को भी क्लियर किया गया है कि जेट इंजन्स को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन अभी US से लेजिस्लेटिव क्लियरेंस आने बाकी हैं, और फिर उसके बाद GE को उनके कोर्ट्स को सबमिट करने के लिए कहा जाएगा और फिर आगे की बातचीत शुरू होगी। यानी कहने का मतलब यह कि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन HAL चीफ ने भी बताया कि इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट टाइम 2012 में निगोशिएट हुआ था, और तब उस समय अमेरिका हमें केवल 58% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर करने के लिए सहमत हो रहा था, लेकिन अब अमेरिका 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। इस डील के तहत 99 इंजन्स भारत में मैन्युफैक्चर होंगे जो कि तेजस मार्क 2 को पावर देंगे, और एयरफोर्स ने तेजस मार्क 2 के लिए 120 से 130 की डिमांड प्रोजेक्ट करी है, और अगर ये डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर इंजन्स के ऑर्डर का जो साइज है वो 99 से भी आगे जा सकता है। वहीं इसके अलावा नेवी के लिए जो ट्विन इंजन टैग बेस्ड फाइटर बनाए जा रहे हैं तो उसे भी यही F414 इंजन ही पावर देगा, और यहाँ तक कि M का फाइटर की पहली 2 स्क्वाड्रन को भी इसी सेम इंजन से पावर मिलेगी। और हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इकोनॉमिक टाइम्स के साथ इस इंटरव्यू में HAL चीफ का ये क्लियर करना कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान अगले साल दिसंबर के लिए शेड्यूल की गई है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है, और इससे एक उम्मीद फिर से जग गई है कि हमें तेजस मार्क 2 समय पर देखने को मिलेगा। Jens.com के साथ खास बातचीत में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन माइनर्स की तरफ से बताया गया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को एडवांस करने के लिए अमेरिका और भारत की साझा प्रतिबद्धता के समर्थन में दोनों देश संयुक्त रूप से मिलिट्री सिस्टम्स को डेवलप और प्रोड्यूस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनमें संभावित रूप से लैंड मोबिलिटी सिस्टम्स के साथ M777 हॉवेट्जर के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन्स को विकसित करना भी शामिल है। और यहाँ पे जिन लैंड मोबिलिटी सिस्टम्स की बात की जा रही है तो उसमें संभावित रूप से स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स शामिल हो सकते हैं, जिनका भारत में संयुक्त रूप से उत्पादन होगा। बाकी जो स्ट्राइकर व्हीकल्स हैं तो ये 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स की फैमिली का हिस्सा है, जिसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं जो कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, तो इस तरह के अलग अलग रोल्स परफॉर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा एक अपडेट यह कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए
पीटीआई न्यूज एजेंसी के साथ एक खास इंटरव्यू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए उनकी कंपनी का टारगेट है 20,300 करोड़ रुपीस, और बीईएल ब्राजील, आर्मेनिया और कजाकिस्तान में भी अपने मार्केटिंग ऑफिसेस को स्टार्ट करने की योजना बना रही है। और जबकि कंपनी ने 2023-24 के लिए जो एक्सपोर्ट का टारगेट बनाया है वो है $90 मिलियन। और इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान बीईएल को जो मेजर ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है तो उसमें शामिल है एम्यूनेशन के लिए लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, रडार्स, टैंक अपग्रेड प्रोडक्ट्स, शिप्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और शिप्स के लिए ही बायर नॉमिनेटेड इक्विपमेंट। इसके अलावा बीईएल नाइट विजन डिवाइसेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन के सॉल्यूशंस, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एयर प्लेटफॉर्म्स के लिए काउंटर मेजर सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए एवियोनिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल सिस्टम्स, सीकर्स, आर्म्स एंड एमिनेशंस, अनमैन सिस्टम्स, एयरबोर्न रडार्स, तो डिफेंस सेक्टर के ऐसे अलग अलग एरियाज पर भी फोकस कर रही है। आज मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक ने लोकसभा को इस बारे में सूचित किया कि 2021 से लेकर अभी तक घुसपैठ के प्रयासों में शामिल होने के चलते 21 सिविलियंस और 2 बीएसएफ पर्सनल को पकड़ा गया। और उनका यह भी कहना था कि जब भी इस तरह की घटनाओं में किसी भी ऑफिशियल्स या लोकल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कानून के अनुसार एक पर्याप्त कड़ी कार्रवाई की जाती है। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर्स पर घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है जिसमें सीमाओं पर 2400 घंटे निगरानी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट की स्थापना, बीएसएफ पर्सनल की संख्या में बढ़ोतरी, सीमा पर फेंसिंग्स और फ्लड लाइटिंग को स्थापित करना शामिल है। और जबकि नदी वाले क्षेत्रों पर अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए वाटरक्राफ्ट्स, बोट्स, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, तो इन सभी के इस्तेमाल करने के अलावा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट जैसे कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइसेस, ट्विन टेलीस्कोप, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इंटेलिजेंस सेटअप का अपग्रेडेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, तो ये भी भारत सरकार की बहुआयामी रणनीति का हिस्सा है। रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ डिफेंस एंड इंडस्ट्री ऑफिशियल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद ये बताया गया है कि हाल ही के महीनों में भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते मिलिट्री ड्रोन्स के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इनमें मेड इन चाइना कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यानी कि इस रिपोर्ट के कहने का मतलब ये कि जो कंपनीज भारत में मिलिट्री ड्रोन्स बनाने पर काम कर रही हैं तो उन्हें कहा गया कि वे उन ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इन ड्रोन्स में चाइनीज मेड पार्ट्स का इस्तेमाल करने से इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से भी बताया गया कि चाइनीज पार्ट्स पर प्रतिबंध लगाने से जो मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं अब उन्हें मजबूरी में कंपोनेंट्स कहीं और से सोर्स करने पड़ रहे हैं जिससे इन ड्रोन्स को बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाती है। और जबकि रॉयटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के फाउंडर मिस्टर समीर जोशी के हवाले से ये बताया कि सप्लाई चेन में 70% तक के गुड्स मेड इन चाइना होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी पोलैंड के व्यक्ति से भी बात करते हैं तो उसके पास भी जो कंपोनेंट्स होंगे तो वो भी चीन के माध्यम से आ रहे होंगे। और इसलिए अगर हम नॉन चाइनीज पाइपलाइन में स्विच करते हैं तो इससे इन ड्रोन्स को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी बढ़ेगी। और उनका यह भी कहना था कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स अभी भी मटेरियल चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो इसे यहाँ वाइट लेबल करेंगे और उसके जो कॉस्ट है उसे फ्रेम के अंदर ही रखेंगे। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला। बाकी इसके अलावा आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि जो भारत का स्वदेशी तपस यूएवी है तो उसके इस महीने से मिलिट्री ट्रायल्स स्टार्ट होने की उम्मीद है। चीन और फिलीपींस के बीच अभी हाल ही में क्या विवाद हुआ है तो उसके बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो ये जो पूरा विवाद है ये हुआ है साउथ चाइना सी पर, जब फिलीपींस ने चाइना के कोस्ट गार्ड पर उनकी शिप को रोकने का आरोप लगाया और चाइना ने फिलीपींस की मिलिट्री सप्लाई बोट पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और इसे फिलीपींस ने एक आक्रामक कार्रवाई बताया। और ये घटना हुई थी शनिवार को और चीन का दावा यह कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करना जरूरी था और चीन ने फिलीपींस पर अतिक्रमण करने और अवैध सामग्री ले जाने का आरोप लगाया। यह घटना साउथ चाइना सी में सेकंड थॉम सोल के पास हुई और फिलीपींस इसे आयुंगिन शोल कहता है और ये एक पानी में डूबी हुई चट्टान है जहाँ पर फिलीपींस के जो सैनिक एक यूएस शिप पर रहते हैं जो 1999 से यहाँ खड़ा है। और जब शनिवार को इसी ग्राउंडेड वेसल के लिए जब फिलीपींस की बोट्स रीसप्लाई मिशन पर थी तो उस समय चाइना की कोस्ट गार्ड ने उनकी इस बोट को रोका और उस पर वाटर कैनन फायर किया। और चीन जो कि साउथ चाइना सी पर अपने बेबुनियाद दावे करता है जैसे कि मानो उस पूरे क्षेत्र को चीन ने खरीदा हो और चीन की ये विस्तारवादी वाली सोच से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। बाकी अब जो ये घटना हुई है तो उस पर यूएस की तरफ से भी कहा गया कि साउथ चाइना सी पर चीन के लगातार धमकियां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और ऐसे समय में अमेरिका अपने अलाइज फिलीपींस के साथ खड़ा है। और साउथ चाइना सी पर केवल फिलीपींस ही नहीं बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, तो इनके साथ भी चीन का विवाद रहता ही है। और भारत भी ये मानता है कि जो साउथ चाइना सी है वो किसी एक देश का समुद्र नहीं है और ये एक न्यूट्रल प्लेस है और अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी इस बात पर हमेशा कायम रहे क्योंकि भारत अगर अपनी इस बात पर रहता है
तो ये एक तरह से यूएस के लिए उस क्षेत्र में समर्थन की तरह होगा। और बाकी इस फिलीपींस वाले विवाद पर आज मंगलवार को चीन ने हायोंगिन शोल पर स्टेशन उस ग्राउंडेड वेसल को हटाने के लिए कहा है जो कि 1999 से यहाँ पे खड़ी है। बाकी चीन की इस हरकत पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही पवन सिंह सुग्रा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1991 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संदीप शंकला और सिपाही स्वर्ण सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेजर संदीप को मरणोपरांत अशोक चक्र से और सिपाही स्वर्ण को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्मी में टोटल कितनी कमांड्स हैं? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।